नमस्ते एवरीवन। इस प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया कि स्क्लेरल सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में देखिए कि हमारे स्क्लेरल सिस्टम में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जॉइंट्स क्या होता है। व्हाट इज जॉइंट्स? जॉइंट्स तो अ जॉइंट इज फॉर्मड विद टू और मोर बोन आर्टिकुलेट टूगेदर। जॉइंट्स वहां पर बनता है जहां पर दो बोन आपस में मिलती है। अ जॉइंट इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट कम टूगेदर। जॉइंट्स ऑलो फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल एंड ऑलो अटैचमेंट बिटवीन बोन। जो जॉइंट्स होता है वो ऐसी साइड पे मिलकर बनता है जहाँ पर दो बोन आपस में जुड़ती है। जॉइंट्स क्या करता है? जॉइंट्स हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मूवमेंट करवाता है और स्केलेटल ऑलो करता है अटैचमेंट बिटवीन द बोन्स। जो हमारी बोन्स होती है दोनों के बीच में अटैचमेंट जो होता है हमारा जॉइंट्स करवाते हैं। ओके सो A joint is a place where two or more bones are meet. Without joints, our body would not be able to move. बिना joints के हमारी body move हो ही नहीं पाएगी। अगर हमारे joints नहीं रह पाएंगे, अगर हमारी bones ऐसी straight रहेगी, सीधी रहेगी, वो इसमें कोई joints नहीं रहेगा, तो हम movement ही नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इधर तो जा ही नहीं पाएंगे। Joints along with the skeletal and muscular system are responsible for huge response or movement that the human body can produce. Joints हमारे skeletal system और muscular system के साथ में ऐसा response प्रोवाइड करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाए इजीली। देर आर सर्वल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ मूवमेंट। अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं और सारे के सारे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। सो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। मेनली थ्री टाइप्स के जॉइंट्स कहते हैं हम। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, अनदर इज कार्टिलेज जॉइंट्स और एक होता है साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं। occurs when two or more bone are connected by dense connective tissue. जो हमारे dense connective tissue होते हैं उनसे जो bones हमारी जुड़ी होती है वो हमारे fibrous joints आते हैं। That is made of largely of collagen. ये ज़्यादातर collagen fibers जो होते हैं उनसे मिले होते हैं। This connective tissue hold the bone tightly together. ये जो connective tissue होते हैं bone को आपस में जोड़ के रखते हैं, इनमें movement नहीं होता है। जो fibrous joints होते हैं उनमें बिल्कुल भी movement नहीं होता, वो हमारे joints को tightly जोड़ के रखते हैं। Therefore fibrous joints are known as फिक्स्ड जॉइंट्स। इन्हें फिक्स्ड जॉइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। द क्रैनियल बोन ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस जॉइंट्स एंड दोस फाइब्रस जॉइंट्स आर नोन एज क्रैनियल सूचर्स। हमारी जो क्रैनियल नर्व बोन्स होती है, क्रैनियल नर्व्स हमारी मेनली कहाँ पाई जाती है? हमारी स्कल्स में पाई जाती है। हम जो जॉइंट्स की बात करें फाइब्रस जॉइंट्स की, उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है और ये मेनली हमारी जो स्कल होती है उसमें पाई जाती है। और ये जो जॉइंट्स होते हैं ना सूचर, क्रैनियल सूचर के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो कि हमारी जो बोन्स होती है स्कल की उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं। दिस आर नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। Another type of joints are cartilage joints. Cartilage joints occur when two or more bone are connected by cartilage. जब दो और उससे अधिक बोन हमारी cartilage से कनेक्टेड होती है तो वो हमें cartilage joints कहते हैं। Such as hyaline cartilage और fibrocartilage. Cartilage joints allow for more movement compared to fibrous joint. जो cartilage movement होता है उनमें हल्का सा movement होता है, but जो हमारे fibrous joint होते हैं उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। बट जो हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बट नॉट सच मूवमेंट एज पाइवेट जॉइंट। जो पाइवेट जॉइंट हम आगे पढ़ेंगे उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उनके कंपेयर टू इसमें इतना मूवमेंट नहीं होता, बट हल्का सा मूवमेंट जो हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं उनमें रहता है। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज जॉइंट इज कनेक्ट बिटवीन द स्टर्नम एंड द रिब्स। जो हमारे स्टर्नम होता है, स्टर्नम और जो हमारे रिब्स होती है जो हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड होती है वो हल्की सी मूव करते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जब हमारा इनहेलेशन और एक्सलेशन होता है, जब हम ब्रीथ लेते हैं और छोड़ते हैं उस टाइम में हमारी जो ब्रीथ जो हमारा स्टर्नम और हमारी रिप्स होती है वो हल्की सी मूवमेंट करती है, तो उस जॉइंट्स को हम कहते हैं कार्टिलेज जॉइंट्स। अनदर वन जॉइंट्स आर साइनोवियल जॉइंट्स। दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट इन योर बॉडी एंड दे ऑलो फॉर अ ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। ये बहुत ज्यादा इनमें मूवमेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्पेसल एंड स्मूथ कार्टिलेज इन द जॉइंट कैप्सूल। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट जहां जहां पर भी होते हैं वहां पर फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंड स्मूथ कार्टिलेज ऑलो द बोन्स ऑफ द जॉइंट टू मूव स्मूथली एंड इंक्रीज द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। ये जॉइंट्स में फ्लूइड क्यों रहता है? क्योंकि ये हम ताकि हमारी जो बोन्स होती है वो स्मूथली मूव कर सके। हमारे घुटने हो गए, हमारे नी जॉइंट्स हो गए, ये सारे हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। जस्ट लाइक दिस, अगर इन दोनों के बीच में दो बोन्स है, अगर उन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो दोनों बोन होगी आपस में घिसाएगी और फिर वो काम नहीं कर पाएगी ठीक से। देयरफॉर देयर इज अ साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन द साइनोवियल जॉइंट्स। अब डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के। सबसे पहला होता है, एक होता है पाइवेट जॉइंट जो कि हमारी नेक में होता है, हमारी
कार्टिलेज रहती है उसको कहते हैं, इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है। अनदर इज ग्लेडिंग मूवमेंट। देन हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट, जो कि हमारे शोल्डर और स्कैपुला और हमारे क्लेविकल के बीच में पाया जाता है। हिंग जॉइंट, जो कि हमारे नी, जिसे हम नी जॉइंट्स के नाम से भी कहते हैं, और हमारे नी में रहता है। अनदर इज सैडल जॉइंट, जो कि हमारे कार्पल जोन में होता है। कैंडलोइड जॉइंट, जो कि हमारे, ये भी हमारे हैंड की बोन्स में पाया जाता है। अब एक एक करके सारे हम जो जॉइंट्स हैं उनको डिस्कस हम देखेंगे। व्हाट इज पाइवेट जॉइंट? तो जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी रेफर्स टू एन एरिया वेयर टू और मोर बोन आर जॉइंट टुगेदर टू ऑलो मूवमेंट। जहां पर दो बोन हमारी जुड़ती है बॉडी में और मूवमेंट ऑलो करती है, उसे हम पाइवेट जॉइंट कहते हैं। पाइवेट जॉइंट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइंट वेयर अ सिलेंड्रिकल शेप बोन इज जॉइंट टू अ रिंग शेप बोन एंड द सिलेंड्रिकल शेप बोन इज एबल टू रोटेट इनसाइड द रिंग शेप बोन। इज अ सिंगल एक्सिस पाइवेट जॉइंट फंक्शन एज टू ऑलो बॉडी पार्ट टू रोटेट अराउंड अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे हमारी बॉडी को जो पाइवेट जॉइंट होते हैं वो रोटेट करने में हेल्प करते हैं। वेरी सिमिलर टू रोटेशन ऑफ अ व्हील, बिकॉज पाइवेट जॉइंट रोटेट्स अराउंड अ सिंगल एक्सिस इट इज ऑफ्टन नोन एज द रोटरी जॉइंट। इसे हम रोटरी जॉइंट के नाम से भी पाइवेट जॉइंट को जानते हैं। वेयर आर पाइवेट जॉइंट्स? पाइवेट जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारी नेक होती है और हमारी फोरआर्म होती है, उसमें जो पाइवेट जॉइंट होता है पाए जाते हैं। जो पाइवेट जॉइंट होते हैं किस टाइप के होते हैं? एक इसमें सिलेंड्रिकल शेप होता है और एक इसके अकॉर्डिंगली एक रिंग शेप होती है। तो जो हमारी रिंग शेप होती है हमारे सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंगली मूव करती है। दिस इज नोन एज और रोटरी जॉइंट और पाइवेट जॉइंट। जैसे कि हमारी आर्म हो गई, ये मेरा जो रोटरी जॉइंट है वो वर्क कर रहा है। गर्दन में अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरा रोटरी जॉइंट इसमें वर्क कर रहा है। सो दिस इज नोन एज और रोटरी जॉइंट और पाइवेट जॉइंट। अनदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? जो हमारे हिप जॉइंट और हमारे शोल्डर आर्म जॉइंट होते हैं उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसमें जो हमारा मूवमेंट होता है पूरा हो जाता है, कि पूरा मूवेबल होता है। तो शोल्डर एंड हिप जॉइंट ओलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये जो होता है सारी डायरेक्शन में घूम सकता है। दिस इज नोन एज और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन इज अराउंड लाइक अ बॉल। इसमें जो एक एंड होता है वो बॉल की टाइप का होता है, बट इट फिट्स इनटू अ होलो पार्ट और सॉकेट, और इसका एक सॉकेट बनाता है जिसमें पूरा का पूरा फिक्स हो जा सकता है। जस्ट लाइक दिस इज बॉल टाइप ऑफ एंड ये, और ये पूरा का पूरा इस टाइप से रोटेट हो सकता है। दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल द फीमर और द ह्यूमरस। जो हमारी फीमर और ह्यूमरस होती है, जो हमारे हाथ की और जांघ की हड्डी होती है, वो इससे कनेक्टेड होती है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट टाइप बॉल टाइप का जो उसका मेन पार्ट होगा वो रहेगा और वो सॉकेट में अंदर फिक्स रहती है। कैन मूव इन एनी डायरेक्शन सच एज जॉइंट्स इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह के जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। अनदर जॉइंट्स आर व्हाट इज सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट्स होते हैं वो हमारे कार्पल्स बोन में पाए जाते हैं, जिससे हमारी फिंगर्स होती है वो कनेक्ट होते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सैडल जॉइंट। ग्लेडिंग जॉइंट्स, जिसमें हमारी कार्पल्स बोन आपस में कनेक्टेड होती है, उनको हम ग्लेडिंग जॉइंट्स कहते हैं। अनदर कोंडलोइड जॉइंट। कोंडलोइड जॉइंट्स में जो हमारी फिंगर टोज होती है वो जुड़ी होती है, उस जॉइंट्स को हम कहते हैं कोंडलोइड जॉइंट्स। सो दिस इज आर द जॉइंट्स। क्या होता है? व्हाट इज हिंग जॉइंट? अनदर इज व्हाट इज हिंग जॉइंट। तो हिंग जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज किनी जॉइंट। जो हमारा हिंग जॉइंट होता है हम किनी जॉइंट कहते हैं। तो हिंग जॉइंट ओलो बोन्स टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हिंग जॉइंट होता है, या तो हमारी जो बोन्स होती है उनको आगे बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव ऑन करने की परमिशन देता है, या फिर आगे की ओर किसी भी एक डायरेक्शन में हम मूव ऑन कर सकते हैं। जो है दिस इज नोन एज और ह्यूमरस। ये रेडियस, जो ह्यूमरस और रेडियस और जो हमारी जुड़ी होती है उस पॉइंट पॉइंट को जो हमारी कोनी में होता है, उस जॉइंट को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। सो दिस इज नोन एज हिंज जॉइंट। ओके, सो व्हाट आर कार्टिलेज? तो कार्टिलेज जो होते हैं दिस आर नोन एज कार्टिलेज। ये होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो जॉइंट्स के बीच में ये जो हमारा जॉइंट्स कनेक्ट क्या कैसे होता है। दिस नोन एज लिगामेंट्स। ये हमारे लिगामेंट्स होते हैं साइड में, बीच में इसके अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि हमारी बॉडी को जब हमारी बोन्स मूव करती है तो आपस में उनका फ्रिक्शन ना हो, आपस में घिसाए ना। जॉइंट कैविटी कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, ये फाइबर फ्लूइड रहता है। सो दिस इज नोन एज कार्टिलेज।